ये आबादी एरिया जो आप देख रहे हैं ये फतेहपुर है। अच्छा, सीकरी इसके पीछे गांव। अच्छा, मुगल से पहले राजपूत लोग रहते थे, इनका नाम था ना रंगा सांगा, जी में आता है। बाबर अकबर के दादा आए थे मुगलों में जंग लड़ने, उन्होंने जंग को फतेह की थी खानुआ मैदान के अंदर, वो मैदान इस बिल्डिंग के पीछे मैदान दिखाएंगे। 1527 में जंग हुई थी, बाबर ने फतेह की, इसका नाम फतेहपुर है। अकबर ने दोनों को मिलाया ना फतेहपुर सीकरी, तो ये दीवार देखती है ना बाउंड्री, जी जी, यहाँ से आप लोग आएंगे किले की दीवार है 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में उसमें 9 गेट है दिखनी दीवार, अभी दिखाएंगे 9 गेट। तो उसमें बेटे 8 गेट पब्लिक की, एक अकबर का है जिससे आप लोग आए, वो अकबरी गेट है, उसको बोलते हैं आगरा गेट, यहाँ से आप लोग अंदर आए। ये लंगर खाने हैं, गरीबों को खाना बढ़ता था अकबर के जमाने में। अच्छा, ये दुनिया का वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गेट है, सबसे ऊंचा गेट बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जिसे अकबर ने दक्षिण को फतेह किया ना चांद बीबी को जी, उसकी जीत की खुशी में बनाया था ये दरवाजा। 1601 में बनाना स्टार्ट किया था, 1602 में कम्प्लीट, 1 साल में ये बनाया दरवाजा। इसकी ऊंचाई वहाँ से हुआ है सूरत हलंदो कुल, जिसकी नकल की गई है। ताजमहल 100 साल बाद है, जैसे कि 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखा हुआ है। ये आए थे हैं कुरान शरीफ की, जी जी, ये अरब से आए थे लिखने वाले बाबर के साथ ही। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये बुलंद दरवाजा है, सबसे ऊंचा गेट, दुनिया का सबसे ऊंचा गेट है ये है फतेहपुर सीकरी में। ये पाके बुजुर्ग ने हिंदुस्तान को सजाया और मुगलों ने बनाया, जी जी जी। ये चीजें क्या था हिंदुस्तान में, लूट रही है इसे, अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा है क्या, है क्या मुरादाबाद से बहुत लोग आई, आपकी बसें भी आई थी। हाँ, वो हमारी बस की तो है। यहाँ से देखो बेटे, वो है दीवार दिख रही है आपको, कौन से देखिएगा, ये पूरा फतेहपुर सीकरी है, आप देख रहे होंगे जैसे कि कितना खूबसूरत नजारा है। ये उस जमाने का शाही हमाम थे नहाने के, जो लोग दरगाह, ये देखिए शाही हमाम नहाने का था ये, वहाँ अकबर के मंत्री रहते थे, खजांची मंत्री राधा टोकर मलदूर थे, उसके अंदर वो वाला हुआ है लाल वाला मकान, वो जो पीछे है टोकर मल, वही थे ना अकबर के मंत्री थे खजांची, जी जी। ये बामन सिटी, ये पानी का एक बावड़ी है टैंक, इसमें 30 फीट पानी है बारिश का। अरे डॉक्टर साहब भैया, यहाँ के मोहम्मद सईद साहब है फोटोग्राफर जी, ये बना के अभी देखिए, समझ रहे हैं अगर आप चाहें अभी फोटो बनाएंगे और जब घूम कर लौट कर जाएंगे तो आपको दे देंगे। ये बड़ा साइज है, छोटा साइज है और इससे छोटा साइज है, जो आप कहेंगे बड़ा। पैसे हम लोग बाद में लेंगे, पहले आपको फोटो देंगे। फोटो जो है 40 रुपये का है, देखिए ये 40 रुपये का है, ये 50 रुपये का है, ये 120 रुपये का है। अब मन आपका है, अगर आप कहेंगे तो बना देंगे, नहीं कहेंगे चलो अभी तो आप घूम रहे हो, ठीक है। नहीं, एक फोटो यहीं से लेता लेंगे ना, ये बनने जाता है ना मत कीजिएगा, तो उसकी कोई मशीन वगैरह है नहीं। ये आपके मोबाइल में नहीं आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है ये, मोबाइल में तो आना, तुमने सिस्टम से बना रखे होंगे भैया मोबाइल में। ये उनको 35 साल हो गए, उनका यही नाम है, काम दियो विदेशियों से इनका, ये इनको रिक्वेस्ट मालूम होता है, फोटो तो सही आएगा। अभी हमें यहाँ खड़ा करेंगे, हाँ ये वो यहाँ से नीचे जाएंगे, उसका पूरा काउंटर करेंगे, फोटो निकलवा लेना, यहाँ खड़ा हो जाए, आपका मन करता है